हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हम आए हैं बगीचे में और यहाँ पे ना सेब का पेड़ है जो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें काफ़ी सेब आ रखे हैं लेकिन चिड़िया सारे सेब खा जा रही हैं, तो इस वजह से मम्मी पूरे पेड़ पर नेट लगा रही है। लेकिन पेड़ काफ़ी बड़ा है जिसके कारण इसमें नेट लगाया नहीं जा रहा है। बड़ी मुश्किल करके हमने एक तरफ नेट डाला है तो सेब भी काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। और जो ये सेब का पेड़ है ये घर से बस थोड़ी सी ही नीचे की तरफ है, घर से थोड़ा नीचे है। तो ये देखिए, ये नेट भी हम डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल भी फैलाया नहीं जा रहा है। और सीढ़ी भी लेकर आए हैं, मम्मी चढ़ी है सीढ़ी पर नेट को अच्छे से फैलाने के लिए, लेकिन ये फंस भी जा रहा है। और भाई भी चढ़ा है पेड़ पर, तो ये देखिए ये सेब काफ़ी झड़ रहे हैं। और मेरा काम बस यही था कि सीढ़ी को इधर से उधर करूं। कुछ सामान मुझे ले जाना था पूजा का मंदिर में, तो पहले मैं दुकान से सामान ले लूँगी। तो मैं जैसे कि धूप वगैरह थोड़ा बहुत सामान लूँगी और फिर मंदिर में जाऊँगी। और जाएंगे ना तो वहाँ पे कीर्तन हो रहे होंगे, तो जागरण था वहाँ पर कल परसों, और कीर्तन वगैरह भजन, और फिर 2-2:30 बजे का भंडारा। तो ये है मेरी बुआ, अभी तो हम स्टार्ट ही किया हमने, चल साची मम्मी भी है साथ में, चलो 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 जल्दी चलो। अरे मम्मी ने शिकायत भी करनी हमें, थोड़ी सी हाइट पर है, गांव से थोड़ा ऊपर है, धूप तेज लगी हुई है तो चलने में हालत ख़राब है। और हम छाता वगैरह भी लेकर नहीं आए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मंदिर में जाओ तो काफ़ी जानने वाले भी मिल जाते हैं। और कोरोना की वजह से 2-3 बार से भंडारा नहीं हुआ है, जागरण नहीं हुआ है, लेकिन अब इस साल से फिर स्टार्ट हो गया है। और नागराजा मंदिर है, और खेतों का रास्ता है ये, तो गांव से हम होके आ गए हैं ऊपर, और ये खेत हैं, तो खेत के साइड में ही मंदिर बना हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मम्मी उसको क्या कह रहे जहाँ पे हम जा रहे हैं? नागराज मंदिर। तो ये देखिए रास्ता, और चलिए फिर मैं दिखा देती हूँ आपको मंदिर में क्या क्या हो रहा है। और कुछ लोग तो रात को भी गए थे लेकिन मैं नहीं जा पाई, और मैं वैसे भी दिन में ही जाती हूँ, रात में नहीं। सही ना सही।